हेलो स्टूडेंट, पॉलीनोमियल की प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपका पॉलीनोमियल का बेस क्लियर किया था, साथ ही साथ कुछ बेसिक क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब हम पॉलीनोमियल के कुछ और बेसिक क्वेश्चन करेंगे, बिगनिंग बिल्कुल इजी क्वेश्चन से करूंगा और धीरे धीरे आपको स्टेप वाइज अच्छे क्वेश्चंस की ओर ले जाऊंगा, राइट। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है, ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, वेरीफाई whether 2, 3, 1 by 2 are zeros of the polynomial Px is equal to Px cube minus 11x square plus 17x minus 6. प्रीवियस क्लास में मैंने आपको समझाया था कि इन ए पॉलिनोमियल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल विच मेक्स द एक्सप्रेशन जीरो कॉल्ड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो क्वेश्चन में आपसे कह रहा है वेरीफाई करना है 2, 3, 1/2 पॉलिनोमियल के जीरोज हैं या नहीं, तो आप स्टेप वाइज इस पॉलिनोमियल पीएक्स में एक्स की प्लेस पर 2, देन 3, देन 1/2 पुट करके चेक करते जाएंगे। एक्स की जिस वैल्यू पर एक्सप्रेशन जीरो हो गया, एक्स की वो वैल्यू जीरो ऑफ पॉलिनोमियल हो जाए, तो देन सिंस पीएक्स क्या है आपके पास, ये पीएक्स है इज 2 0 ऑफ पॉलिनोमियल, x की प्लेस पर आप 2 पुट कर देंगे, 2 इंटू 2 का क्यूब माइनस 11 x इज रिप्लेस बाय 2, 17 x की प्लेस पर 2, 2 का क्यूब 8, 8 2 16, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 11 44, 17 टू 34 माइनस 6 प्लस 16 प्लस 34 50 माइनस 44 माइनस 6 माइनस 50 दैट इज एक्सप्रेशन क्या हो गया जीरो, दैट इज 2 इज ए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। Right. Similarly, आप x की प्लेस पर 3 पुट करके देखें, that is p3 गेन करें, x को आप 3 से रिप्लेस कर दें, 2 into 3 का क्यूब माइनस 11 into 3 का स्क्वायर प्लस 17 into 3 माइनस 6, 3 का क्यूब 27 और 2 से मल्टीप्लाई हुआ 54, 3 का स्क्वायर 9
59 51 minus 6, these two values plus kitni, 54 plus 51 105, 99 and 6 105, अगेन क्या आ गया आपका 0, दैट इज 3 आल्सो 0 ऑफ पॉलिनोमियल px. नाउ 1/2 को भी चेक कर लें, that is given expression 1 में आप x की प्लेस पर 1/2 पुट कर देंगे, तो 2 into 1/2 का क्यूब माइनस 11 into 1/2 का स्क्वायर प्लस 17 into 1/2 माइनस 6, 1 का क्यूब 1 एंड 2 का क्यूब 8 माइनस 11, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 17/2 माइनस 6, 2 से कट कर दूंगा 4, 4 आपने एलसीएम ले लिया, से डिवाइड किया 1 माइनस 11, 2 से डिवाइड किया 2, दैट इज 34, डिनोमिनेटर 1 है 4, 4 6 24, नाउ माइनस का क्या आया, माइनस का 24 माइनस का 11 माइनस का 35 प्लस का 35 बाई 4, अगेन क्या आ गया आपका 0, दैट इज 1/2 इज आल्सो 0 ऑफ पॉलिनोमियल. क्लियर? एनीवे अगर एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 नहीं आती तो दैट वैल्यू इज नॉट अ 0 ऑफ पॉलिनोमियल. क्लियर? बेहतर होता कि आप क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, वीडियो भी देखते जाइए, क्वेश्चन देखने के बाद अगर आपको क्लियर है तो आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, सिस्टम में इजी से कब की ओर बढ़ाओ. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरो जॉब क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस k देन फाइंड वैल्यू ऑफ k. Such that alpha plus beta ka whole square minus alpha beta is equal to 24. Right? 2x square plus 5x plus k ki zeros kya hai aapke alpha beta. तो मुझे k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और कब, जबकि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा इक्वल टू 24 है. राइट?
तो गिवन पॉलिनोमियल px is equal to 2x square. Compare अगर कर दे ax square plus bx plus c से a की value 2, b की value 5, c की value 3, 0 क्या given है? Alpha and beta. तो सिर्फ 0 जा alpha and beta. Hence पहले आप गेन करेंगे sum of zeros. Hence sum of zeros is equal to minus b by a. This implies alpha plus beta. Zeros आपके थे alpha and beta. Minus b की place पर 5, a की place पर 2, alpha plus beta की value आ गई minus 5 by 2, and product of zeros, that is alpha beta, it's equal to c by a. Alpha beta c ki place par k, a ki place par right, but alpha plus beta or alpha beta satisfy karega isko, alpha plus beta ka whole square minus alpha beta is equal to 24, but alpha plus beta ka whole square minus alpha beta is equal to 24. Alpha plus beta ki place par minus 5 by 2 ka square, alpha beta ki place par k by 2 is equal to 24. 25 by 4 minus k by 2 is equal to 24. आपको value find out करनी है k की. 24 को मैं left ले आया, 25 by 4, 24 को left ला रहे हैं, तो minus k by 2 को right ले लिया, तो plus हो गया. LCM आएगा 4, 25 minus 96 is equal to k by 2. This implies minus 71 by 4 is equal to k by 2. This implies k is equal to minus 71 by 2. Right here. Anyway, अगर आपको इस क्लास में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप डेफिनेटली पॉलिनोमियल की फर्स्ट क्लास, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिनोमियल को जरूर देखें, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, विदाउट कॉन्सेप्ट
आप किसी भी चैप्टर को सॉल्व नहीं कर सकते। कहने का मतलब यह है कि आप क्वेश्चंस को जरूर देखें, बेसिक कॉन्सेप्ट को जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, इफ 1 किलो ऑफ पॉलिनोमियल, कैसा पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx is equal to 4x square minus 8kx plus 8x minus 9 is negative of 5 0 of kx square plus 3kx plus 2, right? क्वेश्चन में कह रहा है आपसे कि 1 0 of quadratic polynomial, तो any quadratic polynomial के number of zeros क्या होंगे? How many zeros? There are 2 zeros. Linear में 1 0, quadratic equation के 2, cubic के 3, biquadratic के 4. तो 1 0 of quadratic polynomial is negative of other. मतलब 1 0 other zero का negative है, right? तो let कर लिया मैंने let. alpha, then other zero minus alpha. ऐसा क्यों लिया? आपसे कहता है 1 0 of quadratic polynomial is negative of other. 1 को आप alpha लेंगे, then other zero minus alpha. और फर्स्ट जीरो को अगर माइनस अल्फा लेते तो अदर हो जाता है अल्फा. नाउ गिवन पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 8kx प्लस 8x माइनस 9. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मीनिंग ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में, दैट इज 3 टर्म्स होते, बट हियर क्वेश्चन में 4 टर्म्स हैं. तो बच्चों लाइक टर्म्स को सेम टर्म कंसीडर किया जाता है. दीज टू लाइक टर्म्स हैं, तो 4x स्क्वायर दीज टू में आप 8x कॉमन ले लेंगे, राइट? जब आप 8x कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में आएगा 1 माइनस के, नाउ स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया. किस फॉर्म में हो गया? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में. x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a, x को अप्रोच कर लें, दैट इज b इक्वल टू 8 1 माइनस k एंड c इक्वल टू माइनस 9. नाउ आप लगा देंगे सम ऑफ जीरो,
Now sum of zero मन में क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि सम ऑफ जीरोज क्यों लगा रहा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्यों नहीं लगाया। एक्चुअली में सम ऑफ जीरोज माइनस बी बाई ए, और मुझे गेम क्या करना है, जब तक के नहीं आएगा तब तक जिस पॉलीनोमियल के जीरोज गेम करने हैं, मैंने विदाउट के की वैल्यू आप के एक्स स्क्वायर प्लस थ्री के एक्स प्लस टू के जीरो नहीं गेन कर सकते, तो मुझे के की वैल्यू गेन करनी थी। तो सम ऑफ जीरो माइनस बी बाई एल्फा प्लस माइनस एल्फा, वन जीरो एल्फा का आधा जीरो माइनस एल्फा, माइनस बी की प्लेस पर ए 1 माइनस के और ए की प्लेस पर 4 प्लस अल्फा माइनस अल्फा 0, 4 से डिवाइड किया 2, ब्रैकेट ओपन कर दिया माइनस 2 प्लस 2 के, 2 के को ये रहने दिया, 2 को लेफ्ट ले आया, दिस इंप्लाइज 2 इज इक्वल टू 2 के, that is k is equal to 1. Now k is equal to 1 आ गया आपका। अब आप जीरोज फाइंड आउट कर सकते हैं कैसे, तो now kx square plus 3kx प्लस टू, के की प्लेस पर आपने वन वैल्यू पुट कर दी, तो वन इंटू एक्स स्क्वायर थ्री इंटू वन इंटू एक्स प्लस टू, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, वन और टू का प्रोडक्ट टू। अब ए और सी के सेम साइन है तो सम ले लें, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू एक्स प्लस टू, टू के टू ऐसे फैक्टर किए जिनका प्रोडक्ट तो टू आ रहा है बट सम मिले टर्म दैट इज थ्री के इक्वल, एक्स कॉमन लिया एक्स प्लस वन, रिमेनिंग टू टर्म से एक्स कॉमन लिया टू कॉमन लिया एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन ओवरऑल कॉमन है, ऐसे ये ब्रेक हो गया। बट आपसे क्या कहता है, फाइंड जीरोज ऑफ, तो फॉर जीरोज एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो, टू एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट जीरो है, इट मीन्स एटलीस्ट वन जीरो है, तो वन टाइम आपने एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो पुट कर दिया और एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो, that is x is equal to minus 1 and x is equal to minus 2, ऐसे आपका जीरो आ गया। मेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में, याद रहे 1 0 नेगेटिव आप अगर था, तो अगर 1 0 आपने अल्फा लिया है अगर जीरो क्या हो गया माइनस अल्फा, then properties of quadratic polynomial use करके k की value find out कर ली और required expression जिसके zero gain करने थे k की value put करके factorize करके आपने zero gain कर ली।
राइट। वन मोर क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ वन जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल k प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस के इज मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ अदर देन 0.0 ऑफ kx स्क्वायर माइनस 3kx प्लस 9 वेयर k इज ए कॉन्स्टेंट वेयर k क्या है कॉन्स्टेंट। अब आपसे कहता है इस पॉलीनोमियल के यानी k प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस के का 1 0 मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है ऑफ अदर जीरो, तो जैसे q का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स 1/2 माइनस फाइव का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स 1/-5। जिस नंबर का आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स गेन करना होता है उसको वन के नीचे पुट कर देते हैं। कहने का मतलब ऐसा कि टू नंबर्स का प्रोडक्ट वन है देन दे आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ वन अनदर। तो लेट वन जीरो बी अल्फा देन अदर जीरो ऑफ k प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस के इज 1/α। क्यों? अल्फा और 1/α का प्रोडक्ट 1 आएगा। इट मीन्स अल्फा और 1/α एक दूसरे के मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स हो गए। क्लियर? अब आप प्रोडक्ट ऑफ जीरो लगा दो। नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरो तो गिवन पॉलीनोमियल था k प्लस वन एक्स स्क्वायर दैट इज k प्लस वन a है x का कोएफिशिएंट b दैट इज b की वैल्यू क्या है माइनस फाइव एंड c की वैल्यू k। प्रोडक्ट ऑफ जीरो c बाय a 1 0 अल्फा था अदर जीरो 1/α है इक्वल टू सी, सी का मीनिंग के और ए का मीनिंग के प्लस वन। अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें तो 1 = k/(k+1) k+1 = k भी समथिंग क्वेश्चन रॉन्ग हो गया हो। राइट
क्योंकि यहां तो कि खुद में ही आपकी फाइंड हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि समथिंग क्वेश्चन को नोट करते वक्त रॉन्ग हो गया है, राइट तो मैं क्वेश्चन को करेक्ट कर देता हूं। एक सीरी मिस्टेक हो गई है क्वेश्चन राइट डाउन करते वक्त, एक्चुअली में क्वेश्चन था 10 ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल k प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 प्लस के नी था बल्कि प्लस 5 था, क्लियर 5 हो जाएगा। तो सी की वैल्यू 5 आ गई। एक्चुअली में हम लोग दिमाग में क्वेश्चन को रखते हैं, समटाइम क्वेश्चन नोट करते वक्त मिस्टेक हो जाती है। तो नाउ प्रोडक्ट ऑफ दी सी बाई ए, सी की प्लेस पर 5 और ए की प्लेस पर k प्लस 1, अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया, 1 इज इक्वल टू 5 अपॉन k प्लस 1। लास्ट मल्टीप्लीकेशन किया, k प्लस 1 इज इक्वल टू 5, सो k इज इक्वल टू 4। नाउ k की वैल्यू 4 आ गई है। अब आपको जीरोज किसके फाइंड आउट करनी है, तो नाउ k x स्क्वायर माइनस 3kx प्लस 9, k की प्लेस पर आपने 4 पुट कर दिया, तो 4x स्क्वायर माइनस 3 के की प्लेस पर 4 प्लस 9, दैट इज एक्सप्रेशन आ गया 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9, राइट। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में, तो आप a और c को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 9 36, देन 2 ऐसे फैक्टर करेंगे जिनका सम 12 हो, 6 6 36 और 6 प्लस 6 12, तो 4x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6x प्लस 9, राइट। आपको जीरोज गेन करने हैं, दीज टू से कॉमन क्या लिया 2x, ब्रैकेट में आएगा 2x माइनस 3, बीच 2 से मैंने माइनस 3 कॉमन ले लिया 2x माइनस 3, राइट 2x माइनस 3 ओवरऑल कॉमन हुआ, क्लियर। तो फॉर जीरोज ऑफ पॉलीनोमियल
2x minus 3 is equal to 0, x is equal to 3 by 2, and other 0 bhi kya aayega, x is equal to 3 by 2. Kehne ka meaning, yahan both zeros ki value same aa rahi. Clear? तो आपका कॉन्सेप्ट काफी हद तक क्लियर हो गया होगा. मैं आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए वन मोर क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं. आप मैं बार बार कह रहा हूं आपसे कि आप घर पर क्वेश्चन सॉल्व करिए. एनी प्रॉब्लम है तो मुझे अपने ग्रुप के व्हाट्सएप नंबर पर अपनी प्रॉब्लम सेंड कर सकते हैं. किसी बच्चे को अगर व्हाट्सएप नंबर नहीं मालूम है तो 9839063515 ये व्हाट्सएप नंबर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ सम ऑफ the zeros of polynomial 5x square minus 3 plus k into x plus 7 is 0, then find zeros of the polynomial 2x square minus 2 k plus 11 into x plus 30. One question में अभी आपने देखा कि 10 is negative of other का. One question में आपने देखा 10 is multiplicative inverse of other 0 था. Here क्या कह रहा है, if sum of 0 of polynomial is 0, जो given expression, given polynomial क्या है आपके पास, given polynomial है fx is equal to 5x square minus 3 plus k into x plus 7. और कहता है कि इसके sum of zeros क्या है, 0. Clear, a की value है 5, b की value minus 3 plus k और c की value 7. Sum of zeros is equal to minus 3 by a, but sum of zeros की place पर आप 0 put करेंगे, क्योंकि question में given है sum of zeros of polynomial 0, b की place पर minus 3 plus k, और ये minus पहले से by a की place पर 5, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया 0 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, दैट इज k की वैल्यू आ गई आपके पास 1 3. अब आपको जीरोज फाइंड आउट करने, तो नाउ 2x स्क्वायर माइनस 2 k plus 11 into x plus 30 equal to 2x square minus 2 k की place पर minus 3 plus 11 into x plus 30. अब आप
आपको इसके जीरोज गेन करने हैं, दैट इज 2x स्क्वायर माइनस 2 माइनस का 3 प्लस का 11 प्लस का 8x प्लस 30 2 और 30 को आपने मल्टीप्लाई किया 60 के 2 ऐसे फैक्टर जिनका प्रोडक्ट तो 60 आए बट सम 60 10 6 जा 60 10 और 6 का सम 16 जब आप सब लेते हैं तो बोथ फैक्टर के साथ मिडिल टर्म का साइन तो 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 10x प्लस 30 2x कॉमन लिया x माइनस 3 माइनस 10 कॉमन ले लिया ओवरऑल कॉमन है आपका x माइनस 3 बट आपको जीरोज गेन करने थे तो फॉर जीरोज ऑफ पॉलीनोमियल x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 3 10 को राइट ले गया 2x इज इक्वल टू 10 x इज इक्वल टू 5 राइट तो ये मैंने आपका पॉलीनोमियल का कांसेप्ट क्लियर करने की कोशिश की है नेक्स्ट क्लास में सम डिफिकल्ट प्रॉब्लम के साथ डिस्कशन करेंगे थैंक यू